नमस्कार मित्रों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल वर्ड्स चैनल पे। तो फ्रेंड, कल रियल मी ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है इंडिया में, जिसका नाम है रियल मी एक्स थ्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रियल मी एक्स थ्री और रेडमी के K20 प्रो के बीच में कंपेरिजन करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को पता लगे कि आप लोग को कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और किसका फीचर्स बढ़िया है। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्प्ले से बात कर लेते हैं। देखिए, Realme X3 में आपको मिलता है 6.57 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। इसमें आपको कोई AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको ग्लास बॉडी का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूं Redmi K20 Pro की, इसमें आप लोग को 6.39 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें भी आप लोग को ग्लास बॉडी देखने को मिलता है। तो भैया, आप लोग को Realme X3 में कोई भी AMOLED स्क्रीन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इस मामले में Redmi K20 Pro आगे निकलता नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, Realme X3 में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो चलिए, और कुछ फीचर्स के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए, Realme X3 में आप लोग को पंच होल के साथ डुअल सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है, एक है 16 मेगापिक्सल का, एक है 8 मेगापिक्सल का। वहीं मैं बात करूँ Redmi K20 Pro में, इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 20 मेगापिक्सल का आप लोग को देखने को मिल जाता है। लेकिन आप लोग को Realme X3 में डुअल कैमरा मिलता है, एक है 16 मेगापिक्सल का और एक है जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आप लोग को मिलता है। वहीं मैं रियर कैमरा की बात करूं, तो आप लोग को Realme X3 में क्वाड कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है। देखिए, जो पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, वह प्राइमरी कैमरा है, और जो दूसरा कैमरा है दोस्तों, इसमें 12 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो कैमरा है, और जो तीसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल का काम करता है, और जो चौथा कैमरा है वह मैक्रो कैमरा का काम करता है, जो कि 2 मेगापिक्सल का आप लोग को देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूं Redmi K20 Pro के रियर कैमरा के बारे में, इसमें आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। पहला 48 मेगापिक्सल का, जो कि एक प्राइमरी कैमरा है, और जो दूसरा कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है, और जो लास्ट और आखिरी कैमरा है, मतलब कि तीसरा कैमरा है, वह 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें आप लोग को Realme X3 आगे निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आप लोग को बेटर कैमरा देखने को मिलता है। तो चलिए, अब मैं दोनों फोन का प्रोसेसर के ऊपर आ जाता हूं। तो देखिए, आप लोग को Realme X3 में स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूं Redmi K20 Pro के बारे में, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा प्रोसेसर के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। वहीं मैं बैटरी की बात करूं, तो आप लोग को Realme X3 में 4200 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि बड़ा बैटरी है, और इसमें आप लोग को 30 वाट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात करूं Redmi K20 Pro की, तो इसमें आप लोग को भैया 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आप लोग को 18 वाट फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें भी Realme X3 आगे निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, Realme X3 में आपको 30 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आप लोग को Realme X3 में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है K20 Pro आगे निकलता नजर आएगा, क्योंकि देखिए, इसमें आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आप लोग को AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि Realme X3 को इसमें AMOLED स्क्रीन देना चाहिए था, तो ही आप लोग को फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, मतलब कि अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो चलिए, अब मैं और बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आप लोग को Realme X3 में Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग को Redmi K20 Pro में Android 9 का ही अभी तक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप लोग को दोस्तों Realme X3 में लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूँ Redmi K20 Pro के बारे में, इसमें भी आपको कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए, अब हम लास्ट में आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। तो देखिए, Realme X3 का प्राइस है इंडिया में 24,999, 6 GB और 128 GB वाले वेरिएंट का। वहीं मैं बात करूं 8 GB और 128 GB वाले वेरिएंट का, इसका इंडिया में प्राइस रखा गया है 25,999। वहीं मैं बात करूं Redmi K20 Pro के बारे में, इसका देखिए 6 GB और 128 GB वाले वेरिएंट का इंडिया में दाम रखा गया है अभी, मतलब दाम रखा गया नहीं था, मतलब अभी जो है 24,999, मतलब सेम ही है। इसी फोन का 8 GB और 256 GB वाले वेरिएंट का दाम है 29,999। तो चलिए, हम लास्ट में आ जाते हैं, आप लोग को कौन सा फोन लेना
लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों का प्राइस सेम है। तो देखिए आप लोग को पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए या फिर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए या फिर एमोलेड स्क्रीन चाहिए, तो दोस्तों आप लोग रेडमी के 20 प्रो ले सकते हैं। मैं ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोस्तों आप लोग रियलमी X3 ले लें, मैं आपकी जगह रहता तो रियलमी X3 ले लेता। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।